सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बिकाश स्टाइलिश। सो आज मैं बताने वाला हूँ कैसे आप लोग रेड वाइन कलर ला सकते हैं, ठीक है, वर्जिन हेयर पे। तो इसके लिए हम लोग जो हेयर यूज़ कर रहे हैं वो उसका नेचुरल बेस है लेवल फोर, ठीक है, कि बहुत ज़्यादा डार्क हेयर नहीं है। और इसके लिए हम लोग जो कलर यूज़ कर रहे हैं वो लॉरियल प्रोफेशनल का मैजिक कॉन्ट्रास्ट का मजेंडा रेड, ठीक है। और जो डेवलपर हम लोग यूज़ करेंगे वो 30 एंड 40, और इसका मिक्सिंग रेशियो होगा 1:1.5। और इसमें हम लोग जो टेक्निक यूज़ करेंगे वो फॉयल रैप टेक्निक से हम लोग काम करेंगे। सो इसके अलावा भी मैं दो और टेक्निक के बारे में बीच में बात करने वाला हूँ कि आपको अगर बहुत ज़्यादा थिक हेयर मिले तो आप कैसे काम कीजिएगा, अगर बहुत ज़्यादा फाइन हेयर मिले तो कैसे काम कीजिएगा। और एक टेक्निक मैं बताने वाला हूँ कैसे आप क्विक भी कलर ला सकते हैं, कि आपके पास टाइम कम है लेकिन कलर लाना है तो आप कैसे लाएंगे, ठीक है। तो देखते रहिए, मैं बीच वीडियो का बीच में बताने वाला हूँ। और जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास में रखा बेल आइकन को दबा दीजिएगा जिससे मेरा वीडियो का ऑल नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और एक शेयर कर दीजिएगा। और जो दोस्त मेरे वीडियो को फेसबुक से देख रहे हैं वो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो एक शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा आपको। सो इसको हम लोग पहले मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से, बहुत अच्छे से हम लोग इसको मिक्स कर लेंगे। कलर को मिक्सिंग बहुत अच्छे से करना चाहिए जिससे कलर का जो मॉलिक्यूल होता है वो अच्छी तरह से स्प्लिट हो जाए, ऐसा नहीं कि थिक थिक रह जाए, ठीक है। तो इसके लिए सबसे जो मेन पार्ट होता है वो है मिक्सिंग। तो पहले आप लोग मिक्सिंग सही से कीजिएगा, देन कलर को एप्लीकेशन कीजिएगा, ठीक है। जो भी डायरेक्ट कलर होता है ना, जैसे ये हो गया रेड या फिर 900S, ठीक है, ये सब कलर ना बहुत ज़्यादा थिक आता है, सो इजीली मेल्ट नहीं होना चाहता है। तो इसको पहले अच्छी तरह से मेल्ट कीजिए, उसके बाद कलर को एप्लीकेशन कीजिएगा। सो ऐसे करके हम लोग पूरे मतलब हेयर में अच्छी तरह से कलर को एप्लीकेशन कर लेंगे, देन इसको हम लोग फॉइल से क्लोज कर देंगे, पूरा फॉइल को रैप कर देंगे। सो ये हो गया हम लोग का 30 वॉल्यूम के साथ, अब हम लोग इसको एप्लीकेशन करेंगे 40 वॉल्यूम के साथ, ठीक है। सो अच्छी तरह से प्रोडक्ट को एप्लीकेशन करेंगे, कैसा नहीं बीच में हेयर छूट जाए। तो जो आप लोग क्लाइंट के ऊपर भी करोगे तो ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि कलर एप्लीकेशन बहुत अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि अगर कलर एप्लीकेशन सही से नहीं होगा तो आप कितना भी अच्छा तरह से मिक्सिंग कर लीजिए, कितना भी अच्छा तरह से कर लीजिए, कलर सही नहीं आएगा। सो बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट सा जो चीज़ है वो है कलर एप्लीकेशन, वो आपको सही से करना है। बहुत ज़्यादा थिक सेक्शन नहीं लीजिएगा और बहुत ज़्यादा फाइन भी नहीं लीजिएगा, बहुत ज़्यादा फाइन लीजिएगा तो कलर शो नहीं होगा। तो इसको हम लोग अभी 35 to 40 मिनट तक छोड़ देंगे, देन इसको हम लोग वॉश करेंगे, ठीक है। और इसका वॉश जो होता है, जो भी हम लोग फंकी कलर करते हैं जैसे रेड, ब्लू, एश, पिंक, रोजी गोल्ड, जो भी कलर करते हैं फंकी कलर, वो उसको हम लोग शैम्पू नहीं करते हैं, ठीक है, उसको हम लोग सिर्फ वॉश करके कंडीशनिंग करते हैं, क्योंकि शैम्पू करेंगे तो कलर ब्लीड होना स्टार्ट हो जाता है उसी वक्त से। तो इसीलिए हम लोग कोई सा भी कलर लॉक शैम्पू हो या फिर कोई सा भी हो, लेकिन फंकी कलर में हम लोग शैम्पू नहीं करेंगे, सिर्फ हेयर को वॉश करेंगे एंड कंडीशनर करेंगे। सो ये देखिए, ये रहा 40 वॉल्यूम से कितना लेवल कैसा आया, ठीक है, और ये रहा 30 से, ठीक है। सो अभी मैं दिखाने वाला हूँ आप लोग पी लाइटेड हेयर पे कितना देर रखेंगे और कैसा रहेगा कलर आएगा। सो ये देख सकते हैं, मैं 8 लेवल तक ला इसको लिफ्टिंग कर चुका हूँ। इसमें मैं सेम कलर की कोई एप्लीकेशन करूँगा, मैजिक कॉन्ट्रास्ट का मैजेंटा रेड। सो ये पी लाइट का ऊपर का बताने का रीज़न एक ही है कि देखिए, कोई कोई क्लाइंट बहुत ज़्यादा लाउड चाहते हैं, कोई कोई क्लाइंट सटल चाहते हैं, तो ये पूरा आपका ऊपर है, मतलब क्लाइंट कैसा चाह रहा है तो उस हिसाब से आप कलर दीजिएगा, ठीक है। जैसे उनको कम हाईलाइट चाहिए, सबसे ईजी वे में जो बताने वाला हूँ, ये उनको सबसे कम हाईलाइट चाहिए, बस 2-4 सेक्शन ही चाहिए, तो उस दौरान आप लोग पी लाइटेड हेयर पे कीजिए तो वो चीज़ बहुत अच्छा दिखता है। और अगर बहुत ज़्यादा सेक्शन में चाहिए तो आप लोग डायरेक्ट कीजिए, इससे क्या होता है नेचुरल लुक आता है। और अगर आपको 3-4 सेक्शन ही हाईलाइट करना है, मतलब मुझे लाउड दिखाना है, ठीक है, आदमी कम कब कम
हाईलाइट करते हैं जब उनको ज़्यादा दिखाना होता है, और ज़्यादा हेयर पे करेंगे तो हम लोग वो उसको सटल दिखाएंगे। तो इसीलिए जब आप लोग कम सेक्शन में काम कीजिएगा तो आप लोग पीलाइटेड करके भी कर सकते हैं, वो डिपेंड करेगा हेयर स्ट्रक्चर के ऊपर। सो इसको मैं एप्लीकेशन करके 20 मिनट तक छोड़ दूंगा, उसके बाद इसको मैं रिंग्स आउट कर लूँगा, ठीक है। कि अगर बहुत थिक हेयर है तो आप पीलाइटेड कीजिएगा, और अगर बहुत फाइन हेयर है तो डायरेक्ट कीजिएगा। तो देखिए कितना अच्छा कलर आया है, ठीक है। सो यही डिफरेंस है पीलाइटेड हेयर पे करने का और डायरेक्ट हेयर पे, क्योंकि पीलाइटेड जो हेयर है इसमें से कलर बहुत जल्दी ब्लीड हो जाता है, और जो डायरेक्ट कर रहे हैं वो कलर एज इट इज़ बहुत दिन तक रहता है, ठीक है। तो ये आपका ऊपर है कि आपको कैसे करना है और कैसा क्लाइंट को रिजल्ट देना है। सो ये रहा तीनों ही रिजल्ट, ठीक है। ये था लाइट के ऊपर, अगर आप लोग सटल लाइट के ऊपर देखेंगे तो आपको देखिए कैसा आएगा लुक, और भी ज़्यादा लुक इन्हेंस हो रहा है, ठीक है। कि ये है सटल लाइट के ऊपर, देखिए। सो होप यू लाइक माई वीडियो, सो थैंक यू।